हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना भी टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस अभी हम हो चुके हैं रेडी, बिल्कुल सेटअप वेटअप लगा के अपना, और आप देख सकते हो अपनी राइनो ये खड़ी है। ठीक है, तो गाइस हम चलते हैं और चेक करके दिखाते हैं आपको कि कैसी वीडियो बनेगी। लब्स हमारे हाथ में है। तो गाइस हमें फ्रंट का अपना व्यू लेने के लिए मैं मोबाइल को सेट कर दूँ इसमें, जिससे कि आप हमारा व्यू देख पाएँ। ये कर दिया हमने स्टार्ट, तो इसको लगा देते हैं इस पर। तो आप देख सकते हैं फिर हमारा कैसा व्यू आ रहा है। तो टाइट कर देंगे ठीक से, अभी मैं चलता हूँ चेक करके दिखाता हूँ आपको आपको कैसा व्यू मिलता है। और गाइस आप कैमरा सेट भी कर सकते हैं, आपको वाइजर में अपना दिख जाएगा सामने कैसा व्यू मिलेगा, है ना। तो गाइस अभी इसमें जो है एकदम बढ़िया व्यू मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसमें दोनों काम कर सकते हैं, इस कैमरे में अपना गोप्रो जैसा व्यू भी ले सकते हैं सिंगल लेंस में, और अगर डबल लेंस में करेंगे तो 360 तो आपके लिए है ही बेस्ट। तो अगर आपको रिएक्शन वगैरह चाहिए तो आप 360 में वीडियो बना सकते हैं अपनी, बाकी अगर आपको नॉर्मल वीडियो बनानी है तो आप सिंगल लेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 150 डिग्री पे आप प्रो मोड में रखिए इसको, प्रो मोड में जो कि 1440p पे 50fps, जिससे कि आप स्लोमो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। देखो ऐसे देखते हैं बिल्कुल अजीब तरीके से ऐसे हुआ एक लिए मैंने, तो चलते हैं थोड़ा भगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसी है, मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगी। पहले मैंने मोबाइल से भी वीडियो बहुत ट्राई करी है, अपना ये iQOO 9 है, इससे मैंने काफ़ी वीडियो ट्राई करी मोबाइल से बनाने के लिए, मगर यार उतना मज़ा नहीं आया। मुझे चाहिए था एकदम बढ़िया क्वालिटी में कंटेंट अपने वीडियोस वगैरह में, चाहता था मेरे जो भी व्यूवर्स हों वो एकदम प्रॉपर तरीके से वीडियो देखें हमारी, मतलब अच्छी तरीके क्वालिटी में। तो अच्छी क्वालिटी के लिए मैं थोड़ा वेट भी किया, तो इसलिए मेरा वीडियो जो है थोड़ा लेट आ पाया इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे कैमरा लेना था। मैं सोच रहा था भाई कैमरा लेके ही अपना वीडियो अपलोड करें तो भी बढ़िया है। और गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी बेकार आ रही होगी क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो यहाँ धूल ही धूल उठ चुकी है, गड़दे उठ रहे हैं गड़दे। और ये देखो भाई, और अपनी गाड़ी बजने लग रही है, पता नहीं यार क्यों बज रही, कुछ दिन पहले सर्विस कराई मैंने इसकी। तो आप चेक कर सकते हैं मैं 131 तक गया, इसमें स्टेबलाइजेशन जो आपने देख ली होगी कितनी बढ़िया है। तो भाई बेस्ट है यार ये, थोड़ा आपको वीडियो है ना साफ नहीं दिख रहा होगा, उसकी दिक्कत ये है कि कैमरा जो है ना इससे मैंने एक लेंस लगाया है जो कि मुझे शायद 1800 रुपये का पड़ा था। तो गाइस वीडियो क्वालिटी थोड़ी आपको साफ नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरा कैमरा जो था एक बार गिर गया था, आप ये देख सकते हो यहाँ से मैंने प्लास्टिक का माउंट लगा रखा था। तो गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो जिसको वीडियो पसंद आए वो लाइक करो, जिसको नहीं पसंद वो डिसलाइक करो, और जिसको ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियोस आने पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसके लिए घंटी बजा दें।
तो चल दो, चलते हैं, बाय बाय।